नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। प्रियंका गांधी वाड्रा, आज पहली बार उन्हें देखा गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा था कि 14 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा में आखिरकार राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नजर नहीं आई। इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई, तमाम तरह के कयास भी लगाए गए, लेकिन आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में शामिल होती हैं और इस यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी ससुराल से की। जी हां, मुरादाबाद, जिसे प्रियंका गांधी का ससुराल कहा जाता है, और आज अपने ससुराल से गर्जी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई मुद्दों को लेकर सीधे सीधे केंद्र में बैठी मोदी सरकार को घेरा। फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर हाल ही में हुआ पेपर लीक स्कैम, जिस तरीके से इन मुद्दों को लेकर जमकर घेरते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई और यहां पर जनता का प्यार भी प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलता हुआ नजर आए, सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को जनता का ये प्यार वोट बैंक के तौर पर भी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतर सकते हैं। उन्हें लेकर कई सीटों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाने वाली रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन अब तक चुनाव में ना उतरने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अगर इस सीट से चुनाव लड़ती हैं तो क्या जनता उन पर अपना प्यार वोट के लिहाज से लुटाती हुई नजर आएगी या नहीं, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रांशी हैं और प्रांशी से इस चीज को समझेंगे कि प्रांशी, अगर बात की जाए प्रियंका की, तो साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, तब भी देखा गया कि प्रियंका गांधी काफ़ी ज़्यादा हुंकार भरती हुई नजर आई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे प्रियंका की तरफ से दिए गए। तब भी बार बार चर्चा थी कि क्या प्रियंका चुनाव में उतरेंगी, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन आज जिस तरीके से वो अपनी ससुराल में गरजती हुई नजर आई, क्या लग रहा है कि अगर चुनाव लड़ती हैं तो जीत हासिल होगी? देखिए प्रज्ञा, ये पहली बार नहीं होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचकर वोट बैंक को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा जो 2022 में निकाली गई थी, जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची थी तो महज 3 दिनों के लिए पहुंची थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया। 80 लोकसभा सीटों की बात है जिसमें से 17 सीटों पर वह चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि 62 सीटें जो हैं वो सपा के पास हैं, और ऐसे में इन 80 लोकसभा सीटों में से रुख अगर कर लिया जाए 17 में से 2 सीटों की तरफ, रायबरेली और अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। रायबरेली से देखा जाए तो इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसी वजह से प्रियंका गांधी चर्चा का विषय बनी हुई है। ना सिर्फ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पार्षद चाहते हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, बल्कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यही चाहते हैं कि अब प्रियंका को मैदान में उतरना चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। ऐसे में बात अगर यहाँ पर की जाए मुरादाबाद की, जो यहाँ पर अमरोहा से सटा हुआ है, और अमरोहा सीट को लेकर ही प्रियंका गांधी ने एक बड़ी पहल की थी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उन्होंने बात की थी, जहां एक तरफ वह अड़े हुए थे कि इस सीट को वह नहीं देंगे, और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गहरी छाप छोड़ती हुई नजर आ सकती थी, तो अखिलेश यादव इस सीट को देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने कोशिशें की और ये सीट अब उनके खेमे के पास आ चुकी है। तो इससे जाहिर होता है कि प्रियंका इस सीट की मांग पर जिस तरीके से अड़ी रही, अखिलेश यादव को उन्होंने मनाया और ये सीट भी अब गांधी परिवार के कब्जे में आती हुई दिखाई दे रही है, तो जाहिर है कि यहाँ पर वोट बैंक को बढ़ावा दिया ही जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए, जिस तरह से आज वह मुरादाबाद पहुंची जहाँ से रॉबर्ट वाड्रा रहने वाले हैं, जो उनके ससुराल है, तो जाहिर है कि यहां पर प्रियंका गांधी हर तरीके से हर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगी ही करेंगी। और दानिश अली की बात कर ली जाए तो यहां पर जिस तरीके से दानिश अली को लेकर लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि दानिश अली कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए ना सिर्फ वह जनता के बीच उतर कर कि मैं मुरादाबाद की बहू हूं, उस नाते आप मुझे हमारी पार्टी को वोट कीजिए, बल्कि अब यहां पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी एक और बड़ा दाव खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बीते पिछले साल ये खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि मायावती से उन्होंने गुपचुप तरीके से मुलाकात की। अगर दानिश अली वाकई में कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं तो यह भी कहा गया कि एक बड़ी कड़ी कहीं ना कहीं दानिश अली बन सकते हैं, मायावती को इस खेमे में लाया जा सकता है, और आज भी कहीं ना कहीं वो प्रयास तेज हैं, क्योंकि ये अब भी कहा जा रहा है, जयराम रमेश ने भी कहा
कि मायावती को अब आना ही होगा। तो ऐसे में अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास और तेज होते हुए नजर आएंगे, मायावती को लाने की कवायद और भी तेज हो जाएगी। वैसे भी ये कहा जाता है, सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया है कई बार, कि मायावती ऐन मौके पर कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती हैं। तो अभी यहाँ पर मायावती का साथ छोड़ते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगता है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं तमाम वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ी पहल करती हुई नजर आ सकती हैं, या फिर यूं कहा जाए जो कहती हैं कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, ये नारा देती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं फ्लॉप भी हो जाता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद जो हमने देखा हिमाचल के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने वाकई में कमर कसी और जीत भी हासिल करके दिखाई। मध्य प्रदेश में वह सिंधिया को बड़ी टक्कर देती हुई नजर आई, लेकिन अब यहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मिलकर हर एक वोट बैंक को ना साधते हुए, बल्कि यहां पर देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें प्रियंका भी पीछे नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रियंका उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए पूरी तरीके से आ गए हैं, क्योंकि रायबरेली से उन्हें उतारने की मांग की जा रही है। अगर रायबरेली नहीं तो अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह वायनाड से उतर सकते हैं। अगर वह वायनाड जाएंगे तो हम देखेंगे कि अमेठी में एक महिला दूसरी महिला को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती है, जैसे कि स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकती हैं प्रियंका गांधी। या फिर यहां पर देखा जाए एक और बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वरुण गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि निर्दलीय वह चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में सपा से और कांग्रेस से उन्हें समर्थन मिलेगा, और प्रियंका को लेकर यही कहा जाता है कि वरुण गांधी प्रियंका गांधी के संपर्क में बने ही रहते हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इन सभी चीजों को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। वाकई में देखिए, और यहां पर देखा भी गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी उन तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई, जिन्हें लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे थे। सुनिए जरा आप पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान को, जिसमें वो भरे मंच से किस तरह अडानी मामले को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और पेपर लीक स्कैम को लेकर सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। ससुराल वालों, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। तो आपको याद होगा, बोलू आपको याद होगा, मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, याद है, बड़ी मीटिंग हुई थी, बोलने दो भाई, आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी। अरे भैया बात सुनने दो, सुनने दो, और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया, 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं हैं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं, बताइए उनके मन में। ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है, पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हो, क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। अब जब मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितनी भी ये जो जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा।
और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो दो तीन मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं, फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो, जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको सोच, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। ये न्याय यात्रा है राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं, किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं, और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। तो मैंने बहुत लंबा बोल लिया, भैया भी बोलेंगे। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया है, और अब समय आ गया है परिवर्तन करने का। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान के बाद क्या वाकई लोकसभा चुनाव में कोई परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा? जिस जीत का दावा प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद से करते हुए नजर आए, क्या लोकसभा चुनाव में वाकई वो जीत इंडिया गठबंधन को मिलते हुए नजर आएगी? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।